हमारी ट्रेन चल पड़ी, पहिया रवा हो गया और हमने जो SOPs बनाई हैं, लोगों ने बहुत कुछ कहा, बड़ा कुछ कहा गया कि रेलवे जो है नहीं कर सकेगी, लेकिन शेख रशीद साहब की कोशिशों की वजह से, हमारे मिनिस्टर साहब की ज़बरदस्त कोशिशों की वजह से ये ट्रेन जो है ये चल पड़ी। अब अल्लाह करे ये ट्रेन इसी तरह चलती रहे। ये हमारे लिए 30 तारीख तक एक ट्रायल पीरियड है। अगर हम 30 तारीख तक अपने SOPs पे चलाने में कामयाब हो गए और हमने लोगों की ज़बान और मुंह बंद कर दिए जो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना फैलाएंगे, हम कोरोना नहीं फैलाएंगे, इंशाल्लाह हम कोरोना रोकेंगे, तो
तो हम मजीद ट्रेनें भी 30 तारीख के बाद अल्लाह के फजल व करम से सारी ट्रेनें चल पड़ेंगी। रेल जो है मईशत है रेल पाकिस्तान की, रेलवे का पहिया कभी भी नहीं रुकना चाहिए, किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इसीलिए, आपके सारी मीडिया इस बात की गवाह है कि आज आपने देखा आवाम समझदार है। कौन कहता है कि बलूचिस्तान की आवाम ना समझ है? आवाम, हमने सिर्फ ऑनलाइन टिकटें बेची हैं, हमने कोई टिकट जो है अपने खिड़की के थ्रू नहीं बेची, लेकिन फिर भी 60% टिकटें हमने ओपन की हैं। 100% हमारे पास 60% लोगों ने ऑनलाइन टिकटें लेके आज क्वेटा से अल्लाह के फजल करम से 60% जो है वो ट्रेन चली है। हमने खोली 60%, अगर हम 100% खोल दें, लेकिन हमने से अपने SOPs पे अमल किया है, हमने सोशल डिस्टेंसेस के लिए अमल किया है कि भाई किसी तरीके से ये कोरोना हम रोकेंगे इसको। और मैंने खुद सारी ट्रेन का मुआयना किया और बड़ा खुश हुआ, इतने समझदार लोग हैं। हर बंदे ने मास्क पहना हुआ था, हर बंदे ने ग्लव्स पहने हुए थे, हर बंदे ने लिफाफा पहना हुआ था, वो जो लिफाफे वाले ग्लव्स हैं। तो ये, और जब मैं यहाँ आया तो देखा कतार में बंदे खड़े थे। आप देखें 9 बजे राइट टाइम गाड़ी चली, 60% लोग आए, सारे के सारे बैठे अपनी अपनी जगह पे बैठे, कोई रश नहीं था, कोई गैर मुनज्जम तरीके से कोई अफरा तफरी नहीं थी। हर बंदे ने अपना थर्मल टेम्परेचर चेक कराया, हर बंदा सैनिटाइजर टनल के थ्रू गुजरा, हर बंदे। मुझे तो बलूचिस्तान, कौन कहता है कि बलूचिस्तान की आवाम नान पढ़ है, कौन कहता है कि बलूचिस्तान की आवाम ना समझ है? मैं कहता हूँ ये आज के अमली मुजाहरे ने जाहिर कर दिया, बलूचिस्तान की आवाम बहुत ही समझदार है। और बलूचिस्तान की आवाम जिस तहजीब के साथ, जिस तमदन के साथ, जिस तरीके के साथ वो बैठे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला जो है हमें मजीद फौकियत दे कि हम इनके जो है ना इसी तरह इनकी खिदमत करते रहें और हमारी ट्रेनें यहाँ से चलती रहें। मुसाफिर 322, हमने जानबूझ के 80% रिजर्वेशन खोली है, 60% सॉरी रिजर्वेशन खोली है। वो इसी वजह से खोली है कि अंदर बैठने के लिए लोगों में स्पेस हो, जगह हो, और लोग बड़े खूबसूरत तरीके से बैठे हैं। खुदा अंदर आपने अगर मुआयजा किया, बड़े खूबसूरत तरीके से लोग बैठे हैं और कोई बंदा बगैर मास्क के नहीं आया। सर, वहां से आने वाली जो ट्रेन आएगी उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं आप? आपने ये इंतजाम देखे ना, आप इन इंतजाम से खुश हैं? आप आने वाली ट्रेन कल आएगी, आप आए, आप देखेंगे, आप उन इंतजाम से भी खुश होंगे। ऑनलाइन टिकटिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? बहुत से लोग हम 30 तारीख तक ऑनलाइन टिकटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, और जैसी ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शनें आएंगी तो हम तो फिलहाल सोशल मतलब है कि ये नहीं चाहते कि हम डिस्टेंस को रखना चाहते हैं। हम इसको अगर हम ऑनलाइन टिकटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, अभी 10 दिन तक तो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सर। आप इससे खुश हैं? ये जो हमारे इंतजाम आपने देखे, मैंने एयरपोर्ट पे भी ऐसे इंतजाम नहीं देखे जो इंतजाम आज यहाँ क्वेटा स्टेशन पे मुझे नजर आए हैं। बस आप लोगों को बताएं कि ट्रेन सेफ है, ट्रेन कोई कोरोना नहीं फैला रही, आए, जैसे ये लोग आएंगे हम मजीद ट्रेनें चलाएंगे, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल।